एक शहर जो पूरा का पूरा जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बसा है, एक शहर जिसमें कारें ही नहीं है, एक शहर जहां पर ना तो पैसे चलते हैं और ना ही पॉलिटिक्स, और ना ही यहां पर कोई किसी धर्म या संप्रदाय को फॉलो करता है। एक ऐसा भी शहर जो सिर्फ एक ही बिल्डिंग में बसा है, और एक वैसा भी शहर जहां पर सिर्फ औरतें ही रहती है। जी हाँ, यहां पर कोई पुरुष अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो दुनिया के इन अजीबोगरीब शहरों के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखें। वेलकम बैक टू द नॉलेज, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सिटी विदाउट कार्स। दोस्तों, स्पेन में एक शहर है पोंटेवेद्रा। इस शहर की खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा शहर ऑलमोस्ट कार फ्री है। इस शहर के लोग पैदल चलकर या साइकिल पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इस शहर में बहुत ही गिनी चुनी कारें हैं, और वो भी आमतौर पर खाली पड़ी रहती है। आप गूगल इमेज में भी पोंटेवेद्रा लिखोगे तो इस शहर की इमेजेस में से आपको लोग पैदल चल के ही ज्यादा दिखाई देंगे, कार लगभग दिखाई ही नहीं देगी। और इस कारण आज पोंटेवेद्रा पैदल चलने वालों का शहर बन रहा है। और दोस्तों, ये करिश्मा कर दिखाया है इस शहर के मेयर ने। आज से 20 साल पहले करीब इस शहर की पॉपुलेशन 8 लाख थी, और करीब इतनी ही कारें इस शहर में थी, और इस शहर का ट्रैफिक से बहुत ही बुरा हाल था। इसके बाद यहाँ के मेयर और लोकल गवर्नमेंट ने पोंटेवेद्रा को कार फ्री बनाने की योजना बनाई, और आज ये शहर ऑलमोस्ट कार फ्री तो हो ही चुका है, लेकिन पॉल्यूशन फ्री भी हो गया है। शहर के चौराहों पर कई सारे मैप्स भी बनाए गए हैं, जो आपको शहर की गलियों की जानकारी देते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे पैदल जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। जो लोग स्पेन के दूसरी जगहों से या पोर्टुगल से या कुछ अमेरिकन टूरिस्ट या इंडियन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उनके लिए गाड़ियों को पार्क करने की शहर के बाहर व्यवस्था की गई है, और शहर के अंदर कुछ मालवाहक या ट्रांसपोर्ट के वाहन ही आ सकते हैं, और वो भी बहुत कम। बाकी शहर के अंदर या सिटी सेंटर में घूमने फिरने के लिए आपको साइकिल या पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर ज्यादातर कारें अलाउड नहीं है। शुरुआत में शहर के लोकल व्यापारियों ने सरकार के फैसलों का विरोध किया, लेकिन बाद में उनकी राय बदलती गई, क्योंकि दरअसल लोग पैदल चलकर या साइकिल पर सामान खरीदने आते जाते रहे, बाजारों में पैदल चलने वालों की भीड़ जमा होने लगी, और बिक्री असल में बढ़ती गई। इसलिए स्थानीय व्यापारियों को भी इस अनोखे शहर का फायदा हुआ है। और दोस्तों, इस शहर पोंटेवेद्रा ने हमें ये दिखा दिया है कि बिना कारों के, बिना पॉल्यूशन के भी शहर कितने अच्छे से चल सकता है। और आज ये शहर रहने के लिए पहले से कई ज्यादा आकर्षक हो चुका है, इसलिए यहाँ पे दुकानें और घरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। नंबर 2, व्रिटल अलास्का। नॉर्थ अमेरिका के राज्य अलास्का का ये एक छोटा सा कस्बा है। ये गाँव सिर्फ एक वन लाइन टनल से जुड़ा है, यानी कि आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और यहाँ की पॉपुलेशन आज 220 है। लेकिन दोस्तों, इस छोटे से गांव की खास बात ये है कि इस कस्बे में रहने वाले सभी लोग सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और इस बिल्डिंग का नाम है बैगेज टावर। दोस्तों, सन 1974 में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन आर्मी ने इस बिल्डिंग को खड़ा किया था, पर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही उसमें स्थानिक लोग बसाए जाने लगे, और आज यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक पूरा का पूरा कस्बा रहता है। और इस बड़ी इमारत में सिर्फ लोग ही नहीं रहते, लेकिन उनकी सारी जरूरतों के लिए एक पूर्ण व्यवस्था की गई है। इस बिल्डिंग में पुलिस स्टेशन, छोटा सा हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, प्रोविजनल स्टोर, छोटे से मॉल, लॉन्ड्री, बच्चों के लिए प्लेइंग गार्डन एरिया, और छोटा सा स्कूल भी है। दोस्तों, इस बिल्डिंग में कस्बे के लोकल लोगों को बसाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि यहाँ का मौसम बेहद ठंडा रहता है। जब सर्दियों में ठंड बहुत बढ़ जाती है, तब सड़क मार्ग से आसपास जाना बहुत ही कठिन हो जाता है, और इसलिए इस एक बिल्डिंग में यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है। और वैसे तो ये जगह एक बिल्डिंग है, लेकिन इस एक बिल्डिंग में पूरे के पूरे गांव को बसाना सच में एक अनोखी बात है। नंबर 3, कूबर पैडी। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। आज यहाँ पर करीब 2,500 लोगों की जनसंख्या है, और ये लोग अंडरग्राउंड बंकरों में रहते हैं। ये पूरा शहर जमीन के नीचे बसा है, और इस जगह का इतिहास ये है कि यहाँ पर ओपेल की खदानें हैं। इस खदानों के खाली हो जाने के बाद लोगों ने इसमें अपने घर बनाने शुरू किए, और धीरे धीरे ये खदानें घरों, होटल, रेस्टोरेंट्स और शहर में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में यहाँ पर उतरी है, और यहाँ पर बहुत सारी अंडरग्राउंड लग्जूरियस होटलें हैं।
इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर सर्दियों में अंडरग्राउंड घरों और होटलों में हीटर की जरूरत नहीं होती है और गर्मियों में यहाँ पर एसी की भी जरूरत नहीं होती है। टेम्परेचर इस अंडरग्राउंड जगहों में पूरा मेंटेन रहता है। द नेक्स्ट इज नंबर 4 एंड ये शहर भारत से है। दोस्तों हमारे ही देश भारत में एक ऐसा भी शहर है जहां पर लोग रुपए, पैसे, धर्म और राजनीति को छुए बिना भी शांति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस शहर का नाम है ऑरोविले और ये चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एक ऐसा शहर है जहां पे लगभग पूरी दुनिया से लोग आकर बसे हैं। माँ नाम से प्रसिद्ध मीरा अल्फाजा ने 28 फरवरी 1968 को इस शहर को श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया था। दोस्तों इस शहर में आपको मोरालिटी और इंसानियत की चरम सीमा देखने को मिलेगी। यहाँ पूरी दुनिया के विविध देशों से अलग अलग जाति, संप्रदाय और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर लोग धार्मिकता के बजाय आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। इस शहर की स्थापना करने वाली माँ का मानना था कि ये यूनिवर्सल टाउनशिप भारत में बदलाव की हवा लाएगा। उनका विचार था कि ये शहर ऐसा होगा जहाँ पर लोग किसी भी देश से आकर रह सकते हैं और किसी भी धर्म से ऊपर उठकर लोग यहाँ पर जीवन निर्वाह कर सके। इस शहर में लोग योग करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी देवालय नहीं है। यहाँ पर चीजों के दाम बेहद ही कम है और बहुत सारी चीजें निशुल्क है। पैसों का आदान प्रदान तभी होता है जब ऑरोविले से बाहर कोई चीज आयात या निर्यात करनी होती है। और ये शहर किसी एक इंसान या समाज का नहीं है लेकिन असल में ये शहर इंसानियत को दर्शाता है। इस शहर में जो मकाने हैं उसके मालिक उसमें रहने वाले लोग नहीं होते लेकिन इस शहर की असेंबली होती है। यूनेस्को ने भी इस शहर की प्रशंसा की है और अब तक यूनेस्को इस शहर को 4 अवार्ड दे चुका है। नंबर 5 उमोजा। दोस्तों नॉर्थ केन्या में ये एक गांव है उमोजा जिसमें सिर्फ औरतें ही रहती है। कोई भी पुरुष इस गांव में अलाउड नहीं है। दोस्तों इस गांव की स्टोरी ये है कि 1990 से पहले ये गांव मेल डोमिनेट था। यहाँ की महिलाओं पे बहुत अत्याचार होते थे। उनके नाम पे कोई जमीन, घर या जायदाद नहीं थी। उनके कोई राइट्स नहीं थे। छोटी बच्चियों की बूढ़ों के साथ शादी करवाई जाती थी और महिलाओं पे अत्याचार किए जाते थे। 1919 में उनमें से कुछ शोषित औरतों ने मिलकर ये गांव बसाया था। शुरुआत में वहां पर इन महिलाओं ने काफी सारा क्रिटिसिज्म झेला, उनकी काफी बुराई हुई और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन फाइनली ये महिलाएं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गई और कई सारी और औरतों ने भी धीरे धीरे उनका साथ देना शुरू किया और ऐसे ये गांव बड़ा होता गया। आज इस गांव में हॉस्पिटल, स्कूल और हर एक सुविधा है। इस गांव का मेन सोर्स ऑफ इनकम ज्वेलरी बनाना है। इसके अलावा यहाँ की औरतें खेती पर भी निर्भर है और कुछ औरतें उनकी प्रोडक्ट्स बाहर के गांव बेचने के लिए भी जाती है। इस गांव में कुछ टूरिस्ट अलाउड है जिन्हें यहाँ की औरतें परमिशन देकर अलाउड करती है और फिलहाल ऐसा नहीं है कि इस गांव की औरतें पुरुषों के खिलाफ है। इस गांव में पुरुष आ सकते हैं लेकिन एक विजिटर के तौर पर ही उन्हें यहाँ पर रहने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। यहाँ की हर औरत अपनी इनकम का 10% टैक्स में देती है ताकि इस गांव को अच्छे से चलाया जा सके। गांव के लिए अगर कोई फैसला लेना हो तो वो सभी की रजामंदी से लिया जाता है और इस तरह ये गांव दुनिया के अनोखे गांव या टाउन्स में से एक बन चुका है। नंबर 6 केव ड्वेलर। दोस्तों आज के इस आधुनिक जमाने में अभी भी एक ऐसी जगह है जहां पर 30 मिलियन लोग, जी हां 3 करोड़ लोग प्राकृतिक रूप से बने केव्स में यानी कि गुफाओं में रहते हैं। जगह का नाम है केव ड्वेलर्स और ये चाइना में है। दोस्तों यहाँ के लोग सालों से इस गुफाओं में बसते आए हैं। इन गुफाओं में भी आज वहाँ पर बसने वाले कुछ लोग या यूं कहे कि कुछ पैसे वाले लोग वहाँ पर ऐसी सुविधाओं के साथ जीते हैं जैसे कि हम यहाँ पर जीते हैं। वहाँ पर भी एसी, टीवी, ओवन या रेफ्रिजरेटर है। हाँ कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत गरीब है जो इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे लेकिन कॉमन बात ये है कि यहाँ के लोग कॉन्क्रीट के बने घरों में नहीं पर नैसर्गिक गुफाओं में रहते हैं। यहाँ पर आज कई सारी गुफाएं ऐसी भी हैं जिन्हें रिजॉर्ट या होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर अगर किसी को केव अपार्टमेंट खरीदना है तो उसकी कीमत लगभग 50,000 यूएस डॉलर के करीब है जो अपने करीब 37 से 38 लाख रुपए होते हैं। नंबर 7 कॉपेट सिटी। दोस्तों हम सब तो जानते हैं कि चीन दुनिया में किसी भी चीज की कॉपी करने के लिए नंबर 1 है। किसी भी चीज की वो नकल कर लेता है और इस मामले में चाइना नकलखोर है। बहुत सारी ब्रांड्स, मोबाइल, शूज, कपड़े और गाड़ियों की तो नकल वो करता ही है लेकिन वो गांव और शहरों की भी नकल कर लेता है। और ऐसा ही एक छोटा सा शहर बसा है चाइना में जिसे कहते हैं थेम्स टाउन। ये शहर पूरा का पूरा इंग्लैंड के आर्किटेक्चर की नकल है। यहाँ की गलियां, घर, पार्क सब कुछ इंग्लैंड की नकल करके बनाया गया है और इस गांव का नाम थेम्स टाउन भी इंग्लैंड की थेम्स नदी के ऊपर से रखा गया है।
और दोस्तों चाइना में ये एक लौता शहर नहीं है जो कॉपीड है। चाइना में एक और भी यूरोप का कॉपीड शहर है जो हूबहू पेरिस की नकल है, और इस शहर में एफिल टावर का एक छोटा रेप्लिका भी मौजूद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।